सिंगरौली के मोरवा में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन सिंगरौली के जिलाध्यक्ष अरुणदेव पांडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अरुणदेव पांडे ने कहा कि महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और जन समस्या को लेकर लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन महिला इकाई का मीटिंग भगत सिंह कॉलोनी में रखा गया। इसमें महिलाओं के जो है कि हित के बारे में बात करनी है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या योगदान जो है कि लोगों को नहीं मिल रहा है 51,000, उसके बारे में, आधार कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर दर दर भटकना पड़ रहा है, राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और संबल कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, मजदूर कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को और यहाँ के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके माध्यम से हम मीटिंग रख करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।